guys, my name is Tanuja Sharma. I'm your chemistry teacher and welcome to CDS. अब देखते हैं बेटा जी, हमने first part complete किया है अपना, जिसमें थोड़ा आपको लगा होगा theoretical part है. Last वाला जो portion है जिसमें defects पढ़ेंगे हम, वो भी theoretical part है, लेकिन इससे numerical portion बहुत ही बेहद ही ज्यादा important है competitive as well as CBSE के लिए. ठीक है, देखना. अब इसमें न्यूमेरिकल जो आपके आते हैं बेटा जी, वो दो तरीके से आ सकते हैं. एक तो यूनिट सेल पे न्यूमेरिकल आएगा, एक डेंसिटी पर न्यूमेरिकल आएगा, और आपका एक होता है रेडियस. जो रेडियस का रिलेशन है एज लेंथ से, उस पर आपका एक न्यूमेरिकल आएगा. ठीक है, तो अब हम बीच का जो मिडिल वाला पार्ट है यानी पार्ट टू, इसमें हम ये सब कवर करने वाले हैं. देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको समझना क्या पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा? यस, आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा थ्योरी. देखो बेटा जी, सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बता देती हूँ. एक चीज होती है जिसको बोलते हैं स्पेस लैटिस. बहुत सारे बच्चे बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पेस लैटिस है क्या. ठीक है, उनको पता है, मन में पता है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाते स्पेस लैटिस क्या है. देखो, डेफिनेशन ही ऐसी ऐसी क्या है. देखो, स्पेस का मतलब तो समझते हो, और लैटिस का मतलब समझते हो, पढ़ा था भाई केमिकल बॉन्डिंग में. यस, पढ़ा था क्या लैटिस एनर्जी? पढ़ा था. जैसे NaCl का लैटिस बनता है, फॉर्म होता है, वहां पर भी आपको लैटिस एनर्जी पढ़ाई गई थी. एक मोल बनने में जितनी एनर्जी लगती है, ठीक है, या एक मोल तोड़ने में जितनी एनर्जी रिलीज, एक मोल तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी एक मोल कंपाउंड को, एक मोल कंपाउंड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है लैटिस एनर्जी. चलो, उसकी बात नहीं करते हैं. देखो बेटा जी, स्पेस लैटिस की बात करूं अगर मैं, तो स्पेस लैटिस इज नथिंग बट द रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स. यानी कि पॉइंट्स को रेगुलरली रिपीटिंग, उनका जो अरेंजमेंट है वो रिपीट करना ही क्या होता है बेटा जी, आपका स्पेस लैटिस होता है. यानी किसी भी देखो बेटा जी, लैटिस का मतलब आप समझिए, लैटिस का मतलब समझिए ना पॉइंट्स. ठीक है, यानी कि किसी भी स्पेस में पॉइंट्स को लगाना क्या है, स्पेस लैटिस है. क्लियर हो रही है बात? अब देखना, समझना. अब आप पॉइंट्स को तो कैसे भी लगा सकते हो, आप चाहो तो आप 1D लगा लो, आप चाहो तो 2D लगा लो, आप चाहो तो आप 3D लगा लो, जैसे आपकी मर्जी. राइट, अभी जैसे मैं लिख रही हूँ, मैं किस पर लिख रही हूँ, दो डायमेंशन 2D पर लिख रही हूँ. राइट, दो डायमेंशन इन्वॉल्व हो गई. राइट, आप समझिएगा बेटा जी. देखो, अगर मैं 1D की बात करूं, तो 1D तो एक पॉइंट हो गया, सिंपल एक पॉइंट है, इससे ऊपर कुछ नहीं. अब यहाँ पर फिजिक्स लगानी है, केमिस्ट्री से ज्यादा दिमाग, कैसा दिमाग कर लेना है अब अपना, जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो. ठीक है, सो थिंक लाइक दैट कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो आप, उसे थोड़ा टाइम आपको यही मान के चल रहे हैं जब तक हम ये न्यूमेरिकल कंप्लीट नहीं कर लेते. ठीक है, देखो, दो डायमेंशन में क्या होगा भैया, आपने 2D में लगानी. 2D में आप कैसे लगाएंगे, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ, दूसरा बस इस तरीके से. जब तक आप इस तरह से लगा रहे थे, ठीक है, तो एक सिंगल लाइन में, अब यहाँ डबल लगा दिया, समझिए बेटा जी, ये क्या हो गया, दो डायमेंशन में हो गया. 3D में क्या होगा भाई, ये तो अभी क्या हो गया, दो डायमेंशन में अब आप एक और डायमेंशन अगर ले ले तो 3D हो जाएगा. राइट, जैसे कि मैं आपको करके दिखाऊं, तो दिस, अगर सिर्फ आप इसके आगे वाला पोर्शन देखोगे तो क्या है, मतलब सिर्फ इतना पोर्शन देखो, सिर्फ इतना, तो ये क्या है बेटा जी, 2D. लेकिन अगर मैं इसका पूरा पोर्शन आपको बताऊं कि एक क्यूब के बराबर में मैंने दूसरा क्यूब बनाया है, तो ये क्या हो गया, राइट, बताओ जल्दी, दो डायमेंशन हो गया, 2D हो गया. क्लियर, अब देखो, अब आते बेटा जी 3D हो गया. ठीक है, 3D हो गया. अगर मैं एक क्यूब के बराबर में दूसरा क्यूब आपको दिखा रही हूँ, ये 2D है और ये पूरा क्या हो गया बेटा जी, 3D. क्लियर, जो अब आपको पॉइंट्स बाहर भी नजर आ रहे हैं, समझिएगा बेटा जी. अब एक डेफिनेशन आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहद ही जरूरी है, एक मार्क में आपसे स्पेस लैटिस पूछ सकता है,
इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वन मार्क में आपसे पूछ सकता है या फिर आपसे कुछ स्पेक्ट जैसे वन वर्ड भी आपके पेपर में आने लगे हैं आजकल, ठीक है, इस तरीके से पूछ लेता है। तो आपको ध्यान रखना है 3D रेगुलर 3D या 3D रेगुलर रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन 3D क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस, यानी कि बस मैं लगा दूं यहां पर रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन 3D, ठीक है, क्लियर। ये इसको आप ऊपर से लिख सकते हो, राइट, ठीक है, इन 3D इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। बताइए समझ आया, क्लियर हो गया क्या है क्रिस्टल लैटिस। अब देखो, अब एक चीज की बात करते हैं हम, जिसको बोलते हैं हम यूनिट सेल। बेटा इसकी भी डेफिनेशन पूछेगा, डेफिनेशन बहुत पूछेगा इस चैप्टर से, ठीक है, सो प्रिपेयर फॉर दैट। और बिल्कुल वन वर्ड में टू द पॉइंट याद रखना है, रेगुलर में लिख ही देती हूँ बेटा जी, आप पता नहीं, आप अपनी कॉपीज में बेटा जी लिखते जाना, इतनी सिंपल सिंपल डेफिनेशन टू द पॉइंट बेटा आपको नहीं मिलेंगी। ओके, अरेंजमेंट्स ऑफ पॉइंट। अब देखो यूनिट सेल की अगर मैं बात करूं तो यूनिट सेल क्या होता है बेटा जी, यूनिट सेल बिल्कुल इस तरीके से है जैसे घर बनाते, तो घर बनाते हो किससे बनता है, ईंटों से बनता है, राइट, ब्रिक यूज होती है उसमें, ठीक है, तो वो ईंट क्या है, उसके यूनिट सेल है। जैसे हमारी बॉडी की यूनिट सेल बोली जाए तो क्या है, सेल, ठीक है, जो सेल होता है वो हमारी बॉडी की क्या है, यूनिट सेल है। सेल से ही क्या बनता है बेटा जी, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ये तो होगी बायो की बात, हमारी बॉडी की बात। और अगर जनरली घर की बात की जाए तो ईंट क्या होती है, एक क्या होती है बेटा जी, यूनिट सेल होती है, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक। तो कोई भी आपसे पूछे तो क्या है यूनिट सेल, या तो आप बोल दो स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ 3D, ठीक है, यूनिट सेल, ठीक है, जो भी आपका 3D बन रहा है, 3D क्रिस्टल लैटिस बन रहा है, उसका स्मॉलेस्ट पोर्शन जो होगा वो यूनिट सेल होगा। अदरवाइज यू कैन से दैट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का क्या बेटा जी, बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है, ओ सॉरी, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्पेस लैटिस, यूनिट सेल नहीं आएगा, स्पेस लैटिस आएगा बच्चा, यूनिट सेल तो यूनिट सेल की डेफिनेशन बता रहे हैं, गलती से मैंने लिख दिया था, ठीक कर लेना। यूनिट सेल इज व्हाट, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्पेस लैटिस, यानी कि जो स्पेस लैटिस जिस चीज से बना हुआ है वही क्या है बेटा जी, आपका यूनिट सेल है, क्लियर। अच्छा बेटा, अब आते हैं हम इसके पैरामीटर्स पर। तो इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं बेटा जी, इसके पैरामीटर्स दो होते हैं, एक होता है डायमेंशन, एक होता है इसका डायमेंशन, और दूसरी चीज क्या होती है बोलो, डायमेंशन, और दूसरा हो गया इसका एंगल्स। डायमेंशन में आ गया बेटा जी आपका ए बी सी, और एंगल्स में अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, आप देखिएगा बेटा जी, समझिएगा, मान लीजिए ये ए डायमेंशन है, ये बी डायमेंशन है, ये सी डायमेंशन है, तो ए के सामने वाला जो एंगल है वो है अल्फा, बी के सामने वाला एंगल बीटा है, और सी के सामने वाला एंगल गामा, क्लियर, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, क्लियर, डन, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा बेटा, अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल की, आपके जो यूनिट सेल है ये कितने तरीके के हैं, ठीक है, टाइप ऑफ यूनिट सेल। अब चलो एक बार मुझे रिपीट करके बताओ, तुम्हें याद है या नहीं, व्हाट इज स्पेस लैटिस, बताओ, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ व्हाट पॉइंट्स, ठीक है, रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स क्या है, स्पेस लैटिस है। ओके, किस किस में कर सकते हैं, 1D 2D 3D, 3D में क्या होगा बेटा जी, जो 3D वाला अरेंजमेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। यूनिट सेल क्या होती है, यूनिट सेल इज योर बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्पेस लैटिस, क्लियर, या स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ स्पेस लैटिस भी बोल सकते हो, क्लियर, डन, ये समझ आ गए। अच्छा बेटा जी, अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल, यहां पर मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाली हूं, एंड दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो ट्रिक्स की बात करते हैं, देखिए जो यूनिट सेल है बेटा जी आपका, वो है आपके
सात तरीके के, सेवन टाइप्स, ठीक है। यानी कि पूरी दुनिया में कोई भी सॉलिड अगर बना हुआ है तो उसमें इन सात तरीके के यूनिट सेल के अलावा कोई और यूनिट सेल नहीं होगा, ठीक है। कोई भी सॉलिड आप उठा लेना, उसमें क्या होगा, इन सात में से कोई एक यूनिट सेल होगा। क्लियर, समझ में आ गई बात? चलो आगे करते हैं, क्लियर ना? चलो बेटा जी, जो यूनिट सेल है यहां पर, ये मैंने ट्रिक से बनाया हुआ है, अदरवाइज ये यूनिट यहां पर देखिए, पहले आप ट्रिक देख लो। दिस इज टीएमओ, टमो थैकर, सीआर, ठीक है, टमो थैकर। देखो सात दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखना बेटा जी, जो टी है, दिस टी इज फॉर ट्राइक्लिनिक, ये ट्राइक्लिनिक के लिए है। दिस इज मोनोक्लिनिक, दिस इज ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रा हेड्रल, हेक्सागोनल, क्यूबिक, एंड दिस इज रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। क्लियर डन? ओके बेटा जी, रोम्बोहेड्रल को ट्राइगोनल भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा ट्राइक्लिनिक और ट्राइगोनल में। ओके अब देखते हैं ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है बेटा जी, आपको सिर्फ ये टीएमओ टीएचसीआर यानी कि टमो थैकर ये याद रखना है। और यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, मैंने कुछ पैरामीटर्स बताए थे, यानी कि हमें उनके डायमेंशंस, जो पैरामीटर्स थे यानी कि जो डायमेंशंस थी, और डायमेंशंस के अलावा क्या था, याद करिए, डायमेंशंस एंड एंगल्स याद रखने हैं। तो देखिएगा इनको कैसे याद रखते हैं बेटा जी, ये हो गया आपका ए बी सी। बेटा ये तीन का ग्रुप है, इसमें कोई भी सेम नहीं होगा। ये दो का ग्रुप है, इसमें दो सेम होंगे, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला है बेटा जी, इसमें तीनों सेम होंगे, क्लियर। कोई भी सेम नहीं, दो सेम और तीनों सेम, ओके। ये क्या हो गया बेटा जी, ये आपको मैंने आपको सारे के सारे क्या बता रही है बेटा जी, डायमेंशंस बता दी। आप क्या बच गया ट्रिक में, अब ट्रिक में कौन बच गया बेटा, बोलो जल्दी, अब बच गया है हमारा एंगल्स। एंगल्स की ट्रिक देखेंगे बेटा, एंगल्स की ट्रिक के लिए देखो याद रखेंगे मिस्टर कॉट, मिस्टर कॉट, ठीक है। अब देखना बच्चा, अगर मैं आपसे पूछूं, मैं यहां पर याद रखेंगे आप 290, यानी कि जो दो एंगल है वो 90 है, ओके। कोई भी दो एंगल आप उठा लीजिए, वो क्या है बेटा जी, आपके 90 है, ठीक है। रोम्बोहेड्रल, इसमें नो 90 आएगा बेटा जी, एक भी 90 नहीं होगा। अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर तो होंगे, बट कोई भी 90 नहीं होगा। और अगर कॉट की बात करूं, ठीक है, यानी सी ओ टी कॉट की बात की जाए, तो यहां पर अल्फा बीटा गामा तीनों ही 90 डिग्री होंगे। और आपको पता है कि क्यूब सी जो है, ये क्या है बेटा जी, क्यूबिक, क्यूब में क्या होते बेटा जी, एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो यहाँ तीनों एंगल क्या हो गए, 90, यानी 290, 290, ऑल 90, ठीक है, ऑल 90 डिग्री। क्लियर, समझ आई बात? अच्छा बेटा जी, कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि टी कैसे याद रखे। आपने दो टी बता दिए, एक तो ट्राइक्लिनिक है, एक हमारा क्या है, टेट्राहेड्रल है, ओके, सॉरी टेट्राहेड्रल नहीं है बेटा जी, हाँ टेट्रागोनल आएगा, मैंने गलती से टेट्रागोनल, ठीक है, टेट्रागोनल। अब देखो यहां पर ये टी कैसे याद रखेंगे, देखना बेटा जी ध्यान से समझो। कॉट, कॉट बने क्या होता है बताओ, जैसे कैटल्स होते हैं, कैटल्स क्यों बोलते हैं, चार पैर होते हैं, ठीक है, कैटल्स क्या हो गए, चार पैर वाले जानवर, ओके। अब देखो अगर मैं कॉट की बात करूं, तो कॉट का मतलब होता है हिंदी में अगर बोला जाए तो चार पाई, यानी कि ऐसी चीज जिसके चार पैर हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कॉट बोलते हैं। और कॉट का मतलब क्या होता है, खाट भी बोलते हैं। तो कॉट क्या हो गया, जिसके चार पैर हैं, और टेट्रा क्या है बेटा जी, चार पैर वाला, राइट, टेट्रागोन चार, ठीक है। सो यू कैन लिंक विद इट, ये क्या हो गया बेटा जी, आपका टेट्रागोनल हो गया।
तो कंफ्यूज ना हो, बस स्पॉट का मतलब पता लगा ले एंड यू विल एंड अप टू नो दैट वीटी का मतलब क्या है, टेट्रागोनल है। ओके खत्म यहाँ पर। अब बेटा जी यहाँ पर हमने पांच के एंगल्स तो याद कर लिए, दो के एंगल स्टिल रह जाते हैं, यानी कि एक तो बच गया मेरा हेक्सागोनल। बेटा हेक्सागोनल में आप थोड़ा बहुत टेंथ में पढ़कर ही आए हो, तो हेक्सागोनल आपको पता ही चल रहा है कि एक एंगल कैसा होना चाहिए, 120 का एंगल होना चाहिए। तो आप आसानी से पता लगा सकते हो कि भाई एक एंगल क्या होगा, 120 डिग्री होगा। ठीक है, एक एंगल क्या होगा, 120 डिग्री होगा। और अगर मैं ट्राइक्लिनिक की बात करूं तो ट्राइक्लिनिक में बेटा जी क्लिनिक में कोई भी एंगल अल्फा बीटा गामा कोई भी एंगल ना तो इक्वल होगा ना 90 होगा। ठीक है, यानी कि कोई भी एंगल कैसा नहीं होगा, ना इक्वल होगा ना ही 90 डिग्री के इक्वल होगा। क्लियर होगी बात, समझ पे आ गई, वेरी गुड। यानी कि हमने क्या सीख लिया अब तक, क्या क्या सीख लिया बेटा जी, हमने देखा यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल की हमने ट्रिक्स देखी है, कैसे कैसे हमें डायमेंशंस और उसके जो पैरामीटर्स हैं उनको याद रखना है। अब देखते हैं इस पर सवाल कैसे आते हैं। बेटा जी इस पर जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आएगा कि वो आपसे पूछ सकता है राइट द पैरामीटर्स ऑफ ट्राइक्लिनिक और राइट द पैरामीटर्स ऑफ, ये सीबीएसई का सवाल है, राइट द पैरामीटर्स ऑफ ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, और आपसे उसको एक लेवल हायर क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकता है कि जो मैच बॉक्स, आपने मैच बॉक्स देखा होगा, मैच बॉक्स में किस तरह का यूनिट सेल है बताइए। ठीक है, या कोई भी कुछ भी देखकर, जैसे मैच बॉक्स इज अ वेरी फेमस एग्जांपल, ये आया भी हुआ है पेपर में, आईटी पेपर में आया हुआ है बेटा जी, ये मैच बॉक्स कौन सा, मैच बॉक्स में कौन सा यूनिट सेल होगा। मैंने आपको अभी थोड़े पहले बताया था कि दुनिया में जितने भी सॉलिड होंगे उन सब में क्या होगा, उनमें से कोई ना कोई एक एक ना एक टाइप या यूनिट सेल जो होगा वो उसके अंदर जा रहा होगा। यानी कि सारे के सारे सॉलिड्स में कोई ना कोई एक टाइप जरूर यूनिट सेल का प्रेजेंट होगा। क्लियर, डन, बात समझ आ गई। यही तभी तो हम पढ़ रहे हैं इसको, यूनिट सेल को, ताकि हम वाइडली देख सके हम। ठीक है, हमारा जो नजरिया है वो चेंज हो जाए चीजों को देखने का। अब जब तुम्हारा होमवर्क ये है कि जब भी तुम घर से बाहर निकलोगे तो तुम चेक करोगे कि कहोगे मैम ने कैसा होमवर्क दिया है, चेक करना बेटा जी, तुम्हें याद हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे चीजें देखकर। जैसे सपोज सामने कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो आप चेक कर लो कि अच्छा इसमें कौन सा क्या एंगल्स है, क्या उसके डायमेंशन है, तो आपको ये पता चल जाए, आप उससे रिलेट करो उसको यूनिट सेल को। ठीक है, कि तो अच्छा तुझमें तू जब तू लंच बॉक्स तेरे अंदर कौन सा यूनिट सेल है, चल मैं पता लगाता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से एक बार करके देखा, क्लियर हो गया। ये मैंने सीबीएसई के क्वेश्चंस बता दिए, आईटी में कैसे पूछेगा वो भी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट सेल ऑफ हेक्सागोनल, और चार आपको दे देगा और आपको पहचानना होगा कि हेक्सागोनल का कौन सा है। ठीक है, तो अगर आपको ट्रिक याद रहती है तो बहुत ईजी है, अदरवाइज बेटा ऐसे जो टेबल आपको एनसीईआरटी में गिवन है, उससे याद करना तो बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप चाहे तो आप ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहे तो अपनी मेमोराइजिंग पावर का बिल्कुल भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रिक्स को छोड़िए और आप एनसीईआरटी से याद कर लीजिए, वो दिस इज अप टू यू। क्लियर, चलिए समझ में आ गया है, वो क्लियर हो गया। अब एक बार आप टेबल से भी जाकर देखिए और इस पर थोड़ी बहुत जो मैंने आपको काम दिया है आप जरूर ये वाला काम कंप्लीट करिएगा। ओके डन, क्लियर। आज वाला जो लेक्चर है ये बहुत जरूरी है आगे वाले लेक्चर के लिए, और चलो अब मैं चलती हूँ। और अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आता है, पसंद आता है, तो ये अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, सो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बहुत 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 सारा खुश रहिए। बाय।